राधे राधे जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल वासुटीज फॉर होम में। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का पर्व 9 सितंबर को मनाया जाएगा और इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी को अनंत सूत्र बांधने से सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यह अनंत सूत्र देखिए कपड़े का या रेशम का भी बना होता है और उसमें 14 गांठें लगी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश विसर्जन की भी मान्यता है, इसीलिए यह पर्व का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अनंत देखिए चतुर्दशी की शुरुआत महाभारत काल से ही हुई थी। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोगों की रचना की थी और इन लोगों की रचना और पालन के लिए भगवान विष्णु खुद भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे और यही वजह है कि इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत देखिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। ऐसा माना गया है कि अगर इस दिन व्रत रखें, साथ साथ कोई भी व्यक्ति विष्णु भगवान के मंत्र का उच्चारण करता है, उपाय करता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह सुख समृद्धि धन धान्य सभी की मनोकामना पूर्ति का माना गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखिए अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपकी जो भी परेशानी है, जितनी भी परेशानियां हैं, उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। उसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वासुटीज फॉर होम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस उपाय को आपको भगवान विष्णु के सामने करना है। भगवान विष्णु के अनंत रूपों का ध्यान करके उनका पूजन करें, उनको पीला चंदन, पीले फूल और पीले फल अवश्य अर्पित करें और साथ ही इस उपाय को करने के लिए देखिए आप इस उपाय को अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, शादी के लिए, धन के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी कार्य में अगर आपकी बाधा आ रही है, चाहे कितनी भी आपकी इच्छाएँ हैं, आप एक से अनेक इच्छाओं के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। आपको देखिए एक बूंदी का लड्डू लेना है और उस बूंदी के लड्डू में आपको 14 मतलब जो फूलदार लौंग होती है वो गाड़ देनी है और फूलदार लौंग देखिए आसानी से बूंदी के लड्डू में आप गाड़ सकते हैं और अपनी जितनी भी इच्छा है, मनोकामना है, उसको बोलकर भगवान विष्णु के आगे उसे अर्पित कर दें और भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी जो भी मतलब मनोकामना है उसको बोलें और उनके आगे धूप दीप जलाकर ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः या ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। उसके बाद आपको देखिए उस लड्डू को उठाना नहीं है, ऐसे ही रखे ही रहने दें। दूसरे दिन आपको उस लड्डू को नहाने के बाद उठाना है और आपको उसे कच्ची मिट्टी में दबा देना है। दोस्तों, आप किसी भी साफ़ सुथरी मतलब जगह पर जहाँ पर कच्ची मिट्टी हो या किसी पार्क में किसी भी पेड़ के नहीं या फिर आप गमले में भी आप थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें उस लड्डू को रख दें और ऊपर से आपको मिट्टी से ढक देना है, यानी थोड़ा सा उसको ढक दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन की जितनी परेशानियां हैं वो दूर होती जा रही हैं और आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती हुई नज़र आएगी। दोस्तों, इसका प्रभाव बहुत अधिक माना गया है, आपको 24 घंटे के अंदर ही इसका प्रभाव दिखेगा। आप इस उपाय को जरूर करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है वो अवश्य दूर होगी, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें।